हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप कि सारे बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आज मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। आज मैं आनस नहीं आया हूँ, आज मैं कहीं और आया हूँ। बता आज दो। आए हैं नागधार मेरे घर पे, यानी कि मेरे मायके में। यस तो आज सुबह सुबह मैं नागधार आया हूँ। तो मैंने घर से भी ब्लॉग स्टार्ट किया था बट वो मैंने शेयर नहीं किया। आज मैं कल शेयर करूँगा तो आपको कल पता चल जाएगा कि मैं क्यों आया हूँ। तो आज आया हूँ मैं केविन के बर्थडे पे, जो भाभी के भाई है उनके बेटे का बर्थडे है, तो मुझे भी बुलाया था तो मैं आज आया हूँ। तो ये देखिए अभी तक हम लोग बैलून वगैरह फुला रहे थे, थोड़ा बहुत मैंने आगे शेयर भी किया है। तो देख लीजिए गुब्बारे फुलाते हुए यहाँ पे हम लोग जो है बैलून वगैरह फुला रहे थे। तो ये देखिए, ये प्रीति है और ये दीदी है दूसरे। तो बस यहाँ पे पंप से लगे फुलाने, अगर मुँह से फुलाते थे तो हमारा मुँह ही फट जाता इतने सारे बैलून फुला फुला के। तो बस इससे लगे थे और प्रीति फुला रहे थे और दीदी साथ में बांध रहे। तो देखा आप लोगों ने, प्रीति भी आई है कल की। तो मेरे को मत दिखा। क्या बोलिए, कहाँ पे करना है सर? अभी हमारा डिसाइड हुआ नहीं कि बाहर करना है अंदर करना है बर्थडे सेलिब्रेट। अभी से बैलून फुलाए दिन का सेलिब्रेट करें। अभी जो नीचे जिस बर्थडे बॉय जो है उसका पूजा वगैरह हो रही है, पूजा पाठ हो रही है। तो उसके बाद फिर क्या तीन दिन चुकाने से ये चलो देख लेंगे। हेलो हेलो, तीन दिन का पेयर पहले बोना चाहिए था ना, हम तो सिर्फ फुला फुला के वैसे तो करते। इस बार पता नहीं कहाँ चले थे तो मेरी दाई की, इस बार भूल गई। मैंने नहीं तुझे जाना था, हाँ मैं भूल गया। तो अब यहाँ पे लगे हैं ये लोग, इसका जो पतलो धागो ना जो सबसे काटते भी ना बिल्कुल। चलो चलो चलो, तू भी उठा दे नीचे। देख यहाँ पे नीचे चलो, अब नीचे डेकोरेट करते हैं। थोड़े बहुत रहते हैं अब तो, और काफी सारे बच्चे आए, छोटे छोटे तो बहुत सारे आए गांव के। तो काफी सारे लोग आए, तो गांव काफी बड़ा है तो लोग भी बहुत सारे आए बर्थडे पे। अभी तो आ रहे हैं लोग, अभी तो पूजा हो रही है, उसके बाद जाके बर्थडे सेलिब्रेट होगा। और आपको यहाँ से व्यू दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है यहाँ से। और उस सामने को आ गया हाटू। हाँ जी, कितनी एक चेयर? व्यू दिखाता हूँ, देख सकें। यहाँ पे जो है हवन हो रहा है, थोड़ा बहुत शेयर किया है, आप लोग देख लीजिए। तो बस जितने में हवन हो रहा था उतने में हम लोग डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे। हम लोगों ने जो है डेकोरेशन बाहर की थी, अंदर नहीं की। अंदर क्योंकि हवन हो रहा है तो हम लोगों ने डेकोरेशन अंदर ही किया। ये रहा बैनर। हैप्पी बर्थडे बोल दो। बोलो चीज। अब गाओ हैप्पी बर्थडे, गाओ सारे। पूरा गाओ बे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर। हाँ। गुड। क्लैपिंग करो बाप सब अपने अपने लिए। ये ऐसे। कुछ क्यों नहीं अच्छी क्लैपिंग करनी। जो नेक्स्ट बिलीव हो। ये रहा केक। हैप्पी बर्थडे केविन। तो कमेंट में विशेज ज़रूर दीजिएगा, अपनी ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा केविन को। और इस तरफ को हैप्पी बर्थडे दादी जी। दादी जी का बर्थडे भी है तो इनका बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रही है दोनों का साथ में, केविन का भी और दादी का भी। ये रहा ध्रुवी, कितना अच्छा बैठा है ध्रुवी भी। और कुर्ता पजामा पहना तो बहुत सुंदर लग रहा है। कमेंट में बताना ध्रुवी कैसा लग रहा है आज कुर्ता पजामा में। और ये रहा बर्थडे बॉय, ध्रुवी का भाई, बड़ा भाई केविन। इसका है बर्थडे,
और थोड़ी बहुत डेकोरेशन की है, ज़्यादा डेकोरेशन हम लोगों ने नहीं की है क्योंकि बाहर जो हवा बहुत तेज़ चली थी, तो जितनी डेकोरेशन की सारी फिर ख़राब हो रही थी। और ये रहे गांव के बच्चे, कितने सारे बच्चे आए, गांव में हो जाता है, निथर में तो ऐसे बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं करते जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं कि यहाँ पे कि निथर में भी सेलिब्रेट करते होंगे ऐसे बर्थडे जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। और खाना खाने के लिए डेक वगैरह लगाए थे और खाना बहुत टेस्टी बना था, आगे दिखाऊँगा सबको, शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ। तो बस यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा है थोड़ी देर पहले, और ये देखिए एक आर्मी मैन बना है उत्कर्ष, और ये बहुत सुंदर लग रहा है, आर्मी की ड्रेस पहनी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी उस तरफ को बैठा है बर्थडे बॉय, उधर को रहा ध्रुवी, ध्रुवी ने पूरे मज़े लिए आज की यहाँ इस चेयर पर बैठ के। और ये रहे ध्रुवी के सॉरी केविन के मामू, तब फोटो ले रहे हैं। और बस इस तरफ को जितने में केक कट हो रहा था उतने में यहाँ पे तैयारियाँ कर रहे थे ये जो भी रिफ्रेशमेंट थी तो सब कुछ। और ये पेटीकोट में रही बर्थडे बॉय की मम्मी दीदी, और इस तरफ को इंदू भाभी, और इनको ये कैप्स दे रहे हैं बर्थडे कैप्स, जो बच्चे हैं इनको बर्थडे कैप्स दे रहे हैं। और भाभी यहाँ पे फिर कैंडल्स लाने लगे थे, और केविन आज 4 साल का हो गया है और ये दूर से ही फू कर रहा था, हमें बोला थोड़ा नज़दीक आ जा बट ये हवा से ही भूज गई थी। फिर बस फिर आगे आप खुद देख लीजिए क्योंकि फिर बच्चों ने हैप्पी बर्थडे गाया है तो वो सुन लीजिए। देखो कैप क्यों नहीं लगाई थी, तो बस अब यहाँ पे जो है केक वगैरह खिला रहे हैं। और ये केवू की दादी है मतलब इंदु भाभी की मम्मी और ध्रुवी की नानी, तो बस यहाँ पे केविन के दादा और ध्रुवी के नानू ये लोग बस केक वगैरह खिला रहे थे, और साथ में दादी भी बैठे है, वो रहे दादी मतलब इंदु भाभी की दादी है ये, जिनका बर्थडे भी आज सेलिब्रेट किया है मतलब केविन की पर दादी। तो बस यहाँ पे फिर सभी लोग जो है गिफ्ट्स वगैरह देने लग गए थे, और सबको तो मैं जानता नहीं हूँ, मतलब जिनको जानता हूँ उनको बता दूंगा, बाकियों को मैं नहीं जानता। और ओरिजिनल वॉइस मैंने कट नहीं की है, आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। बच्चों ने बस थोड़ी देर हैप्पी बर्थडे बोला, उसके बाद सारे बच्चे भाग गए वहाँ पे जहाँ पे खाने के लिए मेरा था केक चमचम वगैरह जो कुछ भी था रिफ्रेशमेंट में, तो सारे बच्चे वहीं पर चले गए थे। और बस जो लोग गिफ्ट दे रहे थे वो लोग यहाँ पे थे, तो बस यहाँ पे मैं और प्रीति भी आ गए केविन को केक खिलाने और गिफ्ट देने। तो ये बस यहाँ पे ध्रुवी, और ध्रुवी ने बहुत ज़्यादा केक खाया आज, मुझे लगा कहीं उल्टी ना कर देते ज़्यादा, मतलब जो लोग भी आ रहे थे वो ध्रुवी को भी खिला रहे थे और ध्रुवी भी खा रहा था मज़े से। तो बस मैंने यहाँ फिर बोला कि फ़ोटो ले लो मेरा, तो बस मेरे फ़ोटो वगैरह भी लिए, और बस यही था। और थोड़ा कैमरा ऊपर नीचे हुआ है क्योंकि कोई और वीडियो बना रहा था तो अच्छे से नहीं बन पाई वीडियो, बट जैसी भी है ठीक है। और ये पता नहीं कैमरा नीचे को कर दिया है, आपको तो आगे आपको देंगे लोग आपके खाते पहले दूर मुख है। यहाँ देखो हाय बोलो सबको, वाओ बोलो वाओ,
पर देख मैंने कूल एटीट्यूड देना, कूल एटीट्यूड ना आके लग रहा है। के भी यहां देखो है नहीं तो बस बर्थडे सेलिब्रेट हो गया था। उसके बाद फिर लंच टाइम हो गया था, एक बज गया था, तो बस उसके बाद फिर खाना खाने लग गए थे। और खाने में मटर पनीर और राजमा बनी थी और चावल चपाती, मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी खाना था ना, सिंपल और टेस्टी, ज़्यादा मसाले भी नहीं थे। और पीछे का व्यू देखिए कितना सुंदर आ रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत सारे लिए, यहाँ पे व्यू अच्छा आ रहा था। और जो खाना है ना इतना ज़्यादा टेस्टी था, स्पेशली मटर पनीर, मैं मटर पनीर कभी नहीं खाता, आज मैंने 2 बार खाया मटर पनीर और इतना ज़्यादा टेस्टी था, ज़्यादा मसाला भी नहीं था क्योंकि ज़्यादा मसाला डालते हैं तो फिर मसाले का टेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो हम लोगों ने, इन लोगों ने जो है मसाला बहुत कम डाला था और नमक मिर्च एकदम बहुत अच्छा था, मतलब ज़्यादा नहीं था, निथर में करते हैं कि ज़्यादा मसाला ही डालते हैं तो फिर उससे जो है खाना फिर ज़्यादा ही मसाले वाला हो जाता है, तो फिर उसमें ज़्यादा जो है मसाले का टेस्ट ही आता है। बट यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और फिर उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे मैं भी इंटरव्यू का जो मूड हो रहा था क्योंकि उसके मम्मी सब ने केक लगा दिया था, तो फिर उसके बाद बस यहाँ पे फिर डांस की तैयारी हो रही थी कि नाचना बच्चों ने, तो बस उसी के लिए गाने वगैरह लगा रहे थे नीचे दीदी, देखिए स्पेक्स लगा रहा था। और उसके पास जो उसको चश्मा दिया था और उसके बाद देखिए बच्चे डांस करने लग गए। मैंने जो है ओरिजिनल वॉइस कट की है क्योंकि फिर कॉपीराइट केस आ जाता है, तो फिर मैंने जो है सॉन्ग नहीं डाला उसके बाद। तो ये देखिए छोटे बच्चे जो है गांव की लड़कियां हैं तो मतलब डांस कर रहे हैं। फिर इंदू भाभी भी आ गई, प्रीति भी आ गई, फिर ये लोग भी डांस करने लगे थे। पता नहीं कौन सॉन्ग चला था बट पहाड़ी चला था जो भी था, नाटी नाच रहे सारे, कोई भी फंक्शन हो तो बस फिर एंजॉय कर रहे थे सारे लोग। बहुत अच्छी तरह से जो है लोगों ने बर्थडे मनाया, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नित्थर में तो बस 4 लोग होते हैं, आए हुए बस उसी से होता है भाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नित्थर की बुराई कर रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ बट सच्चाई बता रहा हूँ। वहाँ पे तो बस फॉर्मेलिटी कर लेते हैं कि बस केक लाया, कट किया, बस हो गया। यहाँ पे तो अच्छे से पहले पूजा वगैरह की, हवन वगैरह अच्छे से किया, उसके बाद फिर डेकोरेशन। कल तो इतने सारे लोग आए थे, खाना वगैरह बनाया था गाँव के बहुत सारे बच्चे वगैरह, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब पूरा फंक्शन सा बन जाता है। नहीं तो फिर छोटे छोटे मोटे फंक्शन में मज़ा नहीं आता बर्थडे में कि 4 लोग हो बस उसी में फिर। और बाकी प्रीति से पूछी कि प्रीति बताएगी कि कैसा, मतलब यहाँ पे फंक्शन हुआ बर्थडे कैसा हुआ, प्रीति बोल दो। बहुत अच्छा फंक्शन था, बहुत से भी बहुत अच्छा। निथर में होता है ऐसा? नहीं होता है पर उतना भी अच्छा नहीं होता है जैसा यहाँ पे था। हाँ, है ना यहाँ पे क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा थे, छोटे छोटे बच्चे। हाँ बच्चे बहुत ज्यादा थे। और बस यहाँ पे देखिए भाभी अपनी मम्मी को नचा रहे थे, बस ये बोल रहे थे कि नहीं मैंने नाचना, फिर भी भाभी ने इनको नचा दिया था। उसके बाद फिर भाभी ने अपने पापा को भी बोला कि आप ही नाचो, तो फिर ये भी नाचने लग गए थे। मतलब काफ़ी अच्छी तरह से सभी लोग जो अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। फिर लास्ट में अभी तो बच्चे वगैरह नाच रहे हैं, फिर उसके बाद फिर कुछ लोग खाना खा रहे थे, जो खाना खा ख़त्म हो गए थे वो फिर डांस कर रहे थे। साथ मैंने डांस का शेयर नहीं किया क्योंकि फिर कॉपीराइट केस आ जाता है। फिर थोड़ा बहुत ही बनाया मैंने बाकियों के लिए वीडियो भेजने के लिए, तो बस आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ देखिए प्रीति और भाभी का डांस, पता नहीं कौन सा सॉन्ग चला है, मुझे खुद पता नहीं कौन सॉन्ग चला है, बस चला है जो भी चला है। बस अभी तो नाटी लगी थी। और ये रहा केवी, ये रहा ध्रुवी अपने नानू दादू की गोदी में, तो बस ये लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। केवी ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, ध्रुवी ने सॉरी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, केविन तो थोड़ी देर था उसके बाद फिर रूम चले गया, उसके बाद फिर अपने फ़ोन में लग गया था केविन, तो बस ध्रुवी ने तो पूरा इंजॉय लिया है आज बर्थडे का। देखिए तो सब लोग नीचे जो है डांस कर रहे थे, बस खाना वगैरह सब लोग खा खत्म हो गए थे। उसके बाद आया था फिर बर्तन धोने काम, तो फिर यहाँ पे लेडीज़ वगैरह बर्तन वगैरह धो रहे हैं जिसमें खाना बनाया था। तो बस यही दिखाया मैंने आपको आज के ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, बर्थडे कैसा लगा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये थोड़ा बहुत आपको मैं यहाँ गाँव दिखा रहा हूँ, ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा पूरा गाँव। तो चलिए तब तक इस ब्लॉग को ही देखिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टाटा बाय। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।